हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है कॉन्टैक्ट नंबर सेव कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है माइक्रोमैक्स वोल्ट का फ़ोन, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेनू पर क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है डायल पैड, आप उस पर क्लिक करेंगे। डायल पैड पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है और आपको यहाँ दिखता है थ्री डॉट, आप इस पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे और आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने का ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं आप। एंड जिसका नंबर आप सेव करें उसका नेम डालेंगे यहाँ पर, एंड नेम डालेंगे जैसे कि मैं नेम डाल रही हूँ रानी। एंड इसके बाद आपको यहाँ देखिएगा टाइटल, ये सब डाल सकते हैं। एंड इसके बाद आपका फ़ोन नंबर दिखता है, फ़ोन नंबर डालेंगे आप। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने का नंबर डाल रही हूँ, तो आप सही सही नंबर डालेंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ देखिएगा होम फ़ोन नंबर डाल, यानी घर पे जो फ़ोन नंबर होते हैं अगर आपके पास से घर पे कर सकते हैं तो वो वाला डाल सकते हैं। एंड इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं अदर, यानी कि आप उसमें नोट्स, निक नेम, एड्रेस और आई एम और इसी प्रकार से सब कुछ डाल सकते हैं। बस मुझे फ़ोन नंबर नेम डालती हूँ और इसके बाद आपको सबको डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। और सेव पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं आपका सेव हो चुका है नंबर। एंड आप नंबर देखने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो चुका है पहला नंबर। एंड इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे। एंड आपको अगर आपको यहाँ पे नहीं करने आ रहा है, यहाँ पे नहीं करना आपको, तो एक और तरीके से बता देती है, आपकी में कॉन्टैक्ट्स ऐप ज़रूर होगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको उस प्रकार से इंटरफेस आएगा। एंड इसके बाद आपको अगर आप इस पर क्लिक करें इनमें से किसी पर भी, तो आप जल्दी से इस पर क्लिक कर लें एंड इसके बाद कॉन्टैक्ट्स पे ही क्लिक करके रखेंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ देखिए प्लस का निशान, आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और आपका नेम एंड फ़ोन नंबर ही सब कुछ डाल सकते हैं, वही चीज़ें हैं। और इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में करेंगे। और इस बार मैं डाल देती हूँ, आप कोई सा भी नेम डाल सकते हो वैसे, तो मैं डाल देती हूँ निशा। तो इस प्रकार से आप भी डालेंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ देखिएगा फ़ोन नंबर, आप फ़ोन नंबर भी डालेंगे। तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए आप डाल रही हूँ, तो आप सही से ही डालेंगे वैसे। एंड इसके बाद ईमेल ये सब डाल सकते हैं, इस पर आपको बता चुके हैं क्या क्या डाला जाता है। एंड सबको डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और आपका फिर से नंबर सेव हो चुका है, देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको तीन नंबर दिख रहे होंगे पर आप इसको बैक करेंगे। वैसे कॉन्टैक्ट में दो ही नंबर सेव, क्योंकि आपका नहीं है कोई भी नंबर आपका सेव, तो उसको हटा देंगे इस प्रकार से। इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और आपका वो हट चुका है। एंड इसे होम करेंगे आप, फिर देखेंगे कि है या नहीं। तो आप सबसे पहले आपको डायल पैड में ही जाएंगे, तो डायल पैड में भी आपको वहाँ पर दिखेगा वही नंबर जो आपने सेव किए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरा नंबर भी आ चुका है, इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। आपके में यानी कि नहीं लग सकता है कॉल वॉल, क्योंकि आपके में सेम नहीं है, मुझे सेम नहीं है इसलिए आप देख नहीं सकते हैं। तो आप इस पे जाके देख सकते हैं अगर आपको नंबर सेव किया हुआ देखना है, तो यहाँ देख सकते हैं सेव किया हुआ नंबर आपको दिख ही जाएगा। और इसके थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, आपको ऐड टू ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, इसमें रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं नंबर किसी को। एंड इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।